देख रहे हैं काफी मोटे मोटे लकड़ियां अभी इसमें आ रही हैं बह के। ये आप देखेंगे बड़ा सा लकड़ी है। ड्रम काफी सारे आ रहे हैं बह के। हरिद्वार में अभी आप देख रहे हैं किस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। आप प्लानिंग करें या ना करें इसकी जानकारी हम वीडियो में अभी देंगे कि आप देख रहे हैं पूरी तरह से घाट हाउसफुल है। घाट पे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं बस जैसे कि डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। आप देख रहे हैं किस तरह से मिट्टी और रेत उनके शरीर में आ जा रहा है। तो ये दृश्य देख के बड़ा लगा सकते हैं यहाँ पे जल की जो धारा है उसमें कितनी मात्रा में रेत मिट्टी है। बहुत ज्यादा मात्रा में रेत मिट्टी देखने को मिल रहा है क्योंकि ऊपर पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, जिसके वजह से ये दृश्य देखने को मिल रहा है। और कांवड़ यात्रियों का जो दृश्य है वो आपको देख कर लग सकता है कि यहाँ पे सावन की जो यात्रा है वो किस तरह से चल रहा है। और देख रहे हैं जल में किस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। अब बात आती है हरिद्वार के साथ साथ ऋषिकेश ऊपर पहाड़ों का दृश्य किस तरह का है। ऊपर पहाड़ों का जो दृश्य है खास तौर पर ऋषिकेश ऊपर चार धाम यात्रा या नीलकंठ की ताजा दृश्य हम बताएं तो वहां पे कल भी एक कार बह गई थी जिसके वजह से काफी ज्यादा परेशानी हुई और नीलकंठ का मार्ग बंद कर दिया गया था। तो वहां की यात्रा भी न करें नीलकंठ की, दो तीन दिन में शायद चालू हो जाए क्योंकि बारिश होती है लेकिन कुछ देर बाद नॉर्मल भी हो जाता है क्योंकि बारिश रुकता नहीं है, लगातार जल की गति तेजी से आगे की ओर निकल जाती है। तो इसी पर किसी पर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मौसम का ध्यान रखें और यात्रा के दौरान खास तौर पर सतर्क रहें कि मौसम कहाँ पे कितना खराब हो रहा है उसके हिसाब से आप यात्रा करें क्योंकि यात्रा के दौरान आपको सचेत होना जरूरी है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं क्योंकि जो बारिश हो रही है वो अचानक बारिश हो रही है। आप हरिद्वार से नीलकंठ के लिए निकलेंगे, अब बचा रहा है कि ऋषिकेश तक मार्ग बहुत बढ़िया है, उसके बाद खतरनाक बारिश होती है और फिर फंस जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं भी ऐसे चक्कर में फंस चुका हूँ। और मौसम की अगर पहले से ही अनुमान हो जाए जैसे कि अभी काले काले बादल छाए हुए हैं तो ऐसा कोई दृश्य रहा तो आप रिक्शा ना लें उत्तराखंड के पहाड़ियों में जाने का क्योंकि कहीं भी बादल फट सकते हैं, बाढ़ का दृश्य देखने को मिल जाता है और रास्ते कहीं पे भी बंद हो सकते हैं लैंडस्लाइड की वजह से। ये आप देख रहे हैं आज जो जल आ रही है इधर से होके आ रही है, बैराज जो यहाँ की कंट्रोल करती है जल को वो पूरी तरह से बंद है। और नीलधारा का दृश्य तो हमने आपको पहले दिखा दिया कि वहाँ पे किस तरह का भयभीत करने वाला दृश्य देखने को मिल रहा है। ऐसे तो आपको पूरी जानकारी हमारे वीडियो में मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी। आप देख रहे हैं ये जो धारा है इधर से ही कट के इधर की ओर आ रही है और ये मेन धारा की ओर जा रही है और बहराज आप देख रहे हैं आगे सूखा है, वहाँ पे जमीन दिख रहा है, मिट्टी दिख रहे हैं तो उधर से जल नहीं आ रहा है, केवल एक तरफ से ही जल आ रहा है, एक तरफ का ही जल ही यहाँ पे काफ़ी परेशानी भरा दृश्य बना दिया है। ये आप देख रहे हैं किस तरह के यहाँ पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु स्नान करते हैं, मालवी घाट है इस घाट का नाम और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजिंग रूम बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा इसमें चीज़ें आ रही हैं बह के काफ़ी ज़्यादा और इस तरह से स्नान किया जा रहा है, हटा हटा के स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु और इसी तरह की पूरी जल है और पूरी घाट हाउसफुल है। ऐसा नहीं कि जल घाट पे इसी को सबसे ज़्यादा जल आ रहा है, अभी हम आपको दिखाएंगे सबसे ज़्यादा जल इधर ही है, इधर है और प्रमुख जल की धारा। अभी हम आ चुके हैं
हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड के पास। ब्रह्मकुंड का दर्शन अभी आपको कराएंगे। देख रहे हैं जल की धारा में कुछ चीजें बह के आ रही हैं, ये क्या है? ऐसे में कुछ लोग डर भी जाते हैं कि इसमें कुछ ऐसी चीज बह के ना आए। ये है फोम है, शायद शिवलिंग बनाया गया था और फोम से वही ऊपर का जो हिस्सा है वो बह के आ रहा है, इस तरह का दृश्य है। तो घबराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश ऊपर ना जाएं, चार धाम में आता तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आप न्यूज़ के माध्यम से भी देख सकते हैं वहाँ क्या हालत है। पूरी तरह से रास्ते बंद है। अभी आप ब्रह्मकुंड के पावन दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मकुंड के पास श्रद्धालुओं की संख्या आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं ये माता है हमारी, ये डुबकी लगाएंगी तो इनके साथ किस तरह से जल के साथ मिट्टी ऊपर आएगा, आपने देखा दृश्य। तो ऐसा दृश्य है, हम कोशिश करते हैं कि आपको हरिद्वार की जानकारी पूरी मिली और कहीं भी आपको परेशानी ना हो। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या फिर आप आ रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हरिद्वार में मौसम होता है बारिश के बाद काफ़ी शानदार दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है मौसम का। यहाँ पे कहीं पे गहराई है तो कहीं पे गहराई नहीं है, इस तरह का भी दृश्य देखने को मिल रहा है। चलते हैं और भी घाटों का दृश्य दिखाते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। यही ये वो घाट है जहाँ पे आप आरती के पावन दर्शन करते हैं। आरती के दर्शन अभी आपको 6:55 में होंगे। अगर आप शाम के टाइम आरती के दर्शन करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल 6:55 यानी कुछ देर पहले ही आ जाएं, लगभग 5 या 6 के आसपास, ताकि आपको अच्छे से दर्शन हो सके। ये आप देख रहे हैं पूरी तरह से बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, बड़ी बड़ी ड्रम्स इसमें बह के जा रहे हैं और साथ में इसमें देखने को मिलेगा घर के चूल्हे की सिलेंडर भी यहाँ पे बह के जा रहे हैं। काफ़ी भयभीत करने वाला दृश्य है अभी हरिद्वार का। लेकिन ये जो इलाका है ये नीलधारा की ओर है, हर की पैड़ी की ओर नहीं। आप सब इस बात का भी ध्यान रखें, हर की पैड़ी कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा सेफ है तो आप हर की पैड़ी में डुबकी लगा सकते हैं, चंडी घाट पे नहीं। चंडी घाट पे तो घाट को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ पे कोई स्नान ना कर सके। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि लकड़ी निकाल रहे हैं, देख रहे हैं लकड़ी कितनी ज़्यादा भारी मात्रा आ रही है इसमें। तो यहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे खड़े होकर लकड़ी खींच रहे हैं, बड़े बड़े गोले आ रहे हैं, पूरी वृक्ष ही बह के आ जा रही है क्योंकि लैंडस्लाइड भारी मात्रा में हो रहा है, वो आप लाइव दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे नमामि गंगे।